हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी न्यूज में सुना ही हो। स्टॉक मार्केट के न्यूज में अक्सर ही ये चीज बोला जाता है कि ये जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है, ये स्टॉक अभी बबल में है, किसी भी टाइम इसका बबल बर्स्ट कर सकता है। या फिर कभी ना कभी आप ऐसे भी सुने होंगे कि अभी जो पूरा मार्केट है बबल में चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, किसी भी टाइम में बर्स्ट कर सकता है। तो ये जो फाइनेंशियल बबल है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे, और स्टेप वाइज हम देखेंगे कि एक बबल किस तरीके से फाइनेंशियल वर्ल्ड में जनरेट होता है, कौन सा ऐसा ह्यूमन सेंटिमेंट है जिस वजह से एक स्टॉक का या फिर एक मार्केट का भी आप ऑल ओवर ले लो, एक बबल क्रिएट होता है। तो इस वीडियो में अच्छी तरीके से आप लास्ट तक ध्यान से सुनना, आपको मजा बहुत आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ फाइनेंशियल बबल एक्चुअली मींस। A situation where the trading price of an asset strongly exceeds the intrinsic value of an asset, then it is known as a bubble. कोई भी ऐसा situation जहाँ पे कोई trading price जो होता है किसी भी asset का, अगर वो intrinsic value से ज़्यादा में trade कर रहा होता है, तो एक तरीके से वो bubble बोला जाता है। ज़्यादा मतलब strongly ज़्यादा, मतलब whenever I have specified the word strongly exists, मतलब कि काफी ज़्यादा। अब यहाँ पे दो word आ जाता है, एक है trading price और दूसरा है intrinsic value। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि कंपनीज का फ्यूचर का परफॉर्मेंस के हिसाब से आज आप कंपनी का क्या फेयर वैल्यू रखना चाहोगे, दैट इज व्हाट एन इंट्रिंसिक वैल्यू इज। इसको निकालने के लिए जनरली नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फाइनेंशियल फॉर्मूलाज यूज किया जाता है, बट आई विल नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स। बस एक तरीके से आप जान लो कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता है एक एसेट का फेयर वैल्यू, मतलब कि जिस हिसाब से वो एसेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस किस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो उसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो एक्चुअल में फंडामेंटली वो कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है, उस बेसिस में कंपनी का जो वैल्यूएशन होगा, वो जो एक्चुअल वैल्यू होगी, दैट वुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट? कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट्स कितना हो रहा है उस बेसिस में जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी, विच इज ऑल्सो नोन एज द फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट। ठीक है, अब एसेट मतलब यहाँ कंपनी मान लो। अब यहाँ पे ट्रेडिंग प्राइस ऑफ एन एसेट क्या होता है? अब देखो, कोई भी कंपनी जो होती है, उस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो उस कंपनी का टेंजिबल एसेट्स के थ्रू ही निकाला जाता है। टेंजिबल एसेट्स मतलब एक कंपनी का लेट से फैक्ट्री है, कुछ मशीनरीज है, एक कंपनी लेट से प्रोडक्शन करती है, तो उसका जो मशीन है वो एक तरीके से उसका एक टेंजिबल एसेट हो गया, जिसके थ्रू वो कंपनी अपना प्रॉफिट बना रही है। वो टेंजिबल एसेट एक फंडामेंटल एसेट, एक फिजिकल एसेट है, जिसके थ्रू वो कंपनी अपना पैसा बनाती है, क्योंकि उस मशीन के साथ ही प्रोडक्ट बना के कंपनी बेच के अपना पैसा बना रही है, तो मशीन उसके लिए एक टेंजिबल एसेट हुआ। तो ये जो इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू होता है, वो उस टेंजिबल एसेट के थ्रू ही निकाला जाता है, एक तरीके से जो एक प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिटेबिलिटीज के साथ निकलती है। बट एक ट्रेडिंग प्राइस जो होता है, वो मार्केट में कितना उस पर्टिकुलर कंपनी का डिमांड है उसके बेसिस में डिसाइड होता है। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस, स्टॉक को कोई ज्यादा खरीदना चाहता हो तो उसका डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक स्टॉक जो 100 रुपए में जनरली बिकना चाहिए, उसको खरीदने के लिए लोग 120 रुपए भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो फेयर प्राइस से ज्यादा कब देने को तैयार हो जाते हैं लोग? जब लोगों को पता है कि उस कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, लोगों को इस चीज का भरोसा होता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करने वाली है, उस बेसिस में जो डिमांड क्रिएट होता है उससे वो ट्रेडिंग प्राइस आती है। तो ट्रेडिंग प्राइस कब ज्यादा होता है? जब किसी एसेट का डिमांड ज्यादा हो। ट्रेडिंग प्राइस कम कब होता है? जब किसी एसेट का डिमांड कम होता है। ठीक है, तो लेट से कंपनी का अगर फेयर वैल्यू कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे ज्यादा अगर ट्रेडिंग प्राइस हो रहा है, मतलब कि उसका उसका जो वैल्यू लग रहा है, वो वैल्यू ज्यादा मार्केट में लोग देने को तैयार हो। अब वो ट्रेडिंग प्राइस जो होता है, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाती है कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू कितना है। कंपनी का ब्रांड अच्छा होता है तो लोग ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं उस स्टॉक को खरीदने के लिए। उस कंपनी का गुडविल कितना है, लेट्स से कंपनी बहुत ट्रस्टेबल कंपनी है, बहुत सालों से चल रही है, तो लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाती है। फिर कंपनी का क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये फिजिकली कंपनी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लोग कंपनी का परफॉर्मेंस देख के एक तरीके से उस कंपनी का एक सेंटिमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो कि उस कंपनी का ट्रेडिंग प्राइस को डिसाइड कर पा रहे हैं। आई गेस आपको इसका मतलब समझ में आ जा रहा है कि ट्रेडिंग प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसका रियल वैल्यू है, ट्रेडिंग प्राइस जो है मार्केट में उसका इंसानों के दिए हुए डिमांड कितना है उससे डिसाइड होता है। तो अक्सर जिस कंपनी का आप देखोगे कि नॉर्मल फेस वैल्यू जो है और नॉर्मल जो मार्केट वैल्यू है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो द मेन पैरामीटर्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द होल थ्योरी ऑफ बबल इज, एसेट को हमें समझना पड़ेगा कि एसेट क्या होता है। सिंपल भाषा में एसेट एक कोई भी चीज होता है जो कि इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडिंग प्राइस क्या होता है हम लोग समझ लिए हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है हम लोग समझ लिए हैं मोर ऑर लेस। एंड यहाँ पे और एक गेम आ जाता है, और वो है एक्सपेक्टेशंस। लोगों का एक्सपेक्टेशन एक कंपनी के साथ क्या है,
उससे भी बबल जनरेट होती है। अब किस तरीके से बबल जनरेट होती है उसको हम लोग स्टेज वाइज समझते हैं। सबसे पहले पार्ट वन, ठीक है, जहां पे बबल का शुरुआत होता है, किस तरीके से बबल की तरफ अप्रोच होता है कोई कंपनी का स्टॉक। लेट्स से कोई मिस्टर ए है जो एक स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं। लेट्स से ही वांट्स टू बाय सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट आर ट्रेडिंग एट 100 रुपीज। तो एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज में है। तो इसने क्या किया, ही डिड नॉट डू मच एनालिसिस, मिस्टर ए डिड नॉट डू मच एनालिसिस एंड बॉट दोस पर्टिकुलर स्टॉक since he saw that stock in the news. Let's say कोई particular news में सुने हैं कि एक stock है, एक company है जो कि एक बहुत अच्छा product launch करने वाले हैं, तो वो देख के वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत idea लिए हैं, कुछ भी curiosity के चलते, so he bought this stock out of curiosity, ज़्यादा कुछ fundamental analysis नहीं करके directly वो उस stock को खरीद लिए 100 रुपए से, ठीक है। तो ये जो stage होता है जहाँ पे इंसान ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा के अपने हिसाब से कुछ लोगों का बातें सुन के, rumors सुन के बोलो या फिर कुछ news में सुन लिया हो, ये सब सुन के अगर डायरेक्ट पैसा लगा दे रहा है तो वो एक तरीके से क्यूरियोसिटी के थ्रू लगा रहा है, और इस स्टेज को डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। ये शुरुआत होता है कहीं पे किसी कंपनी का बबल से। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के साथ होगा, कोई कोई न्यूज एक्चुअली फंडामेंटली भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि कोई सचमुच अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो प्रोडक्ट सही में एक इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर सकती है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट को देख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट्स अ वेरी प्लॉजिबल इन्वेस्टमेंट। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग बाय लिसनिंग टू सम ऑफ द न्यूज दैट्स गोइंग अराउंड इन द मार्केट, जिसको र्यूमर्स भी बोला जाता है कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे करने वाली है, इसमें पैसा लगा देते हैं, ये जो सोच होती है जहां पे आप ज्यादा कुछ भी एनालिसिस नहीं करते हो, आप नंबर्स को देखते नहीं, बस आप लोगों का बात सुन के लगा देते हो पैसा, ये जो तरीका होता है, इस तरीके के साथ ही एक तरीके से ये जो सेंटिमेंट है यही बबल का जन्म देती है। बबल का शुरुआत इसी सेंटिमेंट से होता है एक्चुअली। तो इस स्टेज को नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पहला स्टेज है जहां पे क्यूरियोसिटी के थ्रू मिस्टर ए ने बस पैसा लगा दिया जस्ट बाय लिसनिंग टू सम र्यूमर्स और न्यूज दैट्स फ्लोटिंग अराउंड इन द मार्केट। अब क्या हुआ, पार्ट टू देखो, इसमें क्या होता है, ये सेकंड स्टेज है। अब यहां पे क्या है, एक महीने बाद या फिर दो महीने बाद क्या होता है कि क्यूरियोसिटी लोगों का ज्यादा बढ़ते जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। तो लोग क्या करते हैं, उस लिमिटेड सप्लाई स्टॉक का डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाता है और लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं उस प्राइस को। लेट से जैसे मिस्टर ए ने सुना है वैसे बहुत सारे लोगों ने सुना है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बिटकॉइन का, ठीक है। अब बिटकॉइन का कोई फंडामेंटल वैल्यू तो नहीं होता है, बिटकॉइन का वैल्यू इसी चीज से जनरेट होता है कि कौन कितना ज्यादा आने वाला बंदा पे करने को तैयार है उसके लिए। तो उसका डिमांड और सप्लाई की तरह ही सिंपली होता है, जैसे गोल्ड का होता है। तो सिमिलरली अगर किसी स्टॉक का उसी तरीके से किसी ने बोल दिया हो, लेट से कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है जिसने बोल दिया है कि ये जो स्टॉक है ये अच्छा करने वाला है आने वाले टाइम, ठीक है, तो वो बात सुन के ही बहुत सारे लोग पैसा डालने लगते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा, मतलब लिटरली बहुत सारे लोग डालते हैं, मतलब इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ पैसा डालते हैं, क्योंकि पैसा डालने के लिए तो आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप बस एक डीमैट अकाउंट खोलो और पैसा डालते रहो, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा डालने लगते हैं, और सिमिलरली जैसे मिस्टर ए ने इस पर्टिकुलर स्टोरी में कोई एक र्यूमर सुना था, उसी तरीके से आजकल सब सुन रहे हैं। और एक महीने बाद ही क्या हुआ, उस स्टॉक का प्राइस 200 के आसपास चला गया, मतलब कि काफी ज्यादा उसका डिमांड बढ़ने लगा, ठीक है। और ये डिमांड किस फंडामेंटल्स में बढ़ा है इसके किसी को कुछ पता नहीं है, बस लोग लगाए जा रहे हैं क्योंकि बस लोग सुन रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये स्टॉक इनविंसिबल है, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करने वाला है। ये जो स्टेज है इसको प्राइस बूम भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ अवर स्टोरी। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि आफ्टर 2 मंथ्स इन्वेस्टर्स गो क्रेजी। एक महीने बाद तो 200 का हो गया था, और 2 महीने बाद क्या हुआ, जो भी इन्वेस्टर्स है रिटेल वो एकदम पागल हो जाते हैं स्टॉक को लेके। कोई भी जो कंपनी का स्टॉक है वो देख के लोग एकदम पागल हो जाते हैं और लोग लगाते रहते हैं पैसा, इतना डिमांड बढ़ रहा होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो मेन ह्यूमन सेंटिमेंट्स काम कर रहा होता है, दैट इज द सेंटिमेंट ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो फैक्टर काम करने लगता है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में, हम आप जैसे लोगों में, इनको लगता है कि चलो कम टाइम में एक अच्छा पैसा बना लेंगे, चलो लगाते हैं, सब लगा रहे हैं तो चलो ट्रेंड में चल रहा है ये चीज तो हम भी लगा देते हैं। ऐसे ट्रेंड में पैसा लगता रहता है और डिमांड बढ़ते रहता है और प्राइस पंप अप होते रहता है। तो मिस्टर ए और वैसे बहुत सारे लोग क्या किए कि और भी ऐसे स्टॉक्स खरीदने लग गए। अब स्टॉक का प्राइस 800 में चल रहा है, लेकिन तब भी मिस्टर ए खरीद रहा है, बिकॉज मिस्टर ए को लगता है कि आने वाले टाइम में और इन्वेस्टर्स होने वाले हैं जो ज्यादा पैसे देने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट वन में क्या हुआ था, इन्वेस्टर ने ए ने पैसा लगाया था 100 रुपए में। पार्ट टू में क्या हुआ कि उसने 200 में भी और कुछ स्टॉक्स खरीद लिया, बिकॉज वो देख रहे थे कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। पार्ट थ्री में और ज्यादा डिमांड बढ़ते हुए देख लिया, तो उन्होंने मिस्टर ए को लगा कि आने वाले टाइम में और प्रॉफिट बना पाएंगे, तो और उन्होंने लगा दिया पैसा, ठीक है। तो अब 800 रुपए में भी वो बहुत सारे स्टॉक को खरीद लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है, सो ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स बाय बाइंग मोर एंड मोर स्टॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी।
तो इस स्टेज को यूफोरिया बोला जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेज डिस्प्लेसमेंट था, उसके बाद वाला स्टेज क्या हुआ था, उसके बाद वाला स्टेज था हमारा प्राइस बूम, एंड नाउ इट्स यूफोरिया। अब क्या है, अगला स्टेज में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे अब रियलाइज होता है कि 3-4 महीने बाद कि जो वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पंप किया जा रहा है, उसका एक्चुअल वैल्यू उतना है ही नहीं, उससे ज्यादा लोग पंप अप कर रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन हो सकता है न्यूज और रूमर से आ गया, लेट्स से कोई जर्नलिस्ट है, किसी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका वैल्यू में ज्यादा दम नहीं है लेकिन उसका जो प्राइस है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो ये जो डर है कुछ कुछ इन्वेस्टर्स में आ जाता है एक टाइम के बाद, तो वो इन्वेस्टर क्या करते हैं, दोज पीपल स्टार्ट सेलिंग आउट। बट मिस्टर ए जैसे कुछ लोग हैं जो तभी भी होप्स लेके बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि ये जो स्टॉक प्राइस है और ऊपर जाने वाला है, तो ये एक तरीके से फियर ऑफ मिसिंग आउट का सेंटिमेंट अभी भी काम कर रहा है। तो इनको, इस मिस्टर ए को भी लग रहा है बाकी लोग जो अभी सेल कर दे रहे हैं उनका लॉस होगा, मेरा तो प्रॉफिट ही होने वाला। तो ये जो सोच है, इस सोच के साथ ये बढ़ते रहता है। उसके बाद नाउ द प्राइस इन द मार्केट इज अराउंड 600 रुपीज पर शेयर। अब क्योंकि कुछ लोग बेचने लगे हैं तो प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन मिस्टर ए को लग रहा है कि अभी ये टेम्पोररी प्राइस नीचे जा रहा है, वापस ऊपर ही जाना है बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड। तो ये जो प्राइस है, इस स्टेज को बोला जाता है प्रॉफिट टेकिंग स्टेज, मतलब इस स्टेज में लोगों को जो सेल आउट कर दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इससे थोड़ा सा कम दाम में उन्होंने खरीदा था, ठीक है। अभी मिस्टर ए भी सेल कर देते तो मिस्टर ए को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल ही जाता, 600 रुपए में बेचते, उन्होंने पहले खरीदा था लेकिन थोड़ा सा लॉस होता लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाता, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स उन्होंने 100 रुपए में भी खरीदा था, कुछ कुछ 200 रुपए में भी खरीदा था। बट बाकी इन्वेस्टर्स की तरह मिस्टर ए अभी नहीं सोच रहे हैं, बाकी इन्वेस्टर्स कुछ कुछ ऐसे हैं मार्केट में जो सेल आउट कर रहे हैं, बट मिस्टर ए को लग रहा है कि नहीं, ये एक टेम्पोररी चीज है, आने वाले टाइम में और बढ़ने ही वाला है। अब पार्ट 5 ऑफ द स्टोरी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रियलाइज करने लगते हैं कि ये एक्चुअल में पम्प्ड अप प्राइसेस के फंडामेंटल्स में दम ही नहीं, हर जगह यूज न्यूज फैलते रहती है और ये न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है, और इसी के साथ पैनिक शुरू हो जाता है लोगों में, इन्वेस्टर्स में पैनिक स्टार्ट होता है और सबके सब जो दाम मिल रहा है उसी दाम में बेचने लगते हैं, ठीक है। ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जब मार्केट में कोई खरीदने वाला होता ही नहीं, बस बेचने वाला होता है, तो ब्रोकर सबसे कम दाम में खरीद लेते हैं वो सारे चीजें, जितना कम कोट कर रहे हैं उसी प्राइस में सबके सब बेच दे रहे हैं अभी, क्योंकि सबको पता चल रहा है कि एक्चुअल में सच्चाई ये है, ये 5-6 महीने की बात है, ठीक है। पहले 1 महीने तक तो लोगों को लग रहा था ये बढ़ने वाला है, 2-3 महीनों में भी लग रहा था, मिस्टर ए को तो 4 महीने बाद भी लग रहा था, लेकिन आज 5-6 महीने बाद जब सबके सब एकदम पैनिक सेलिंग करने लगे तब मिस्टर ए भी सोचे कि दिस वॉज ऑल अ मिस्टेक एंड नाउ ही हैज टू सेल दैट पर्टिकुलर स्टॉक बाई 120 रुपीज। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, इसी सिचुएशन को बबल बर्स्ट बोला जाता है। एक टाइम तक जैसे पानी में बबल उठते रहता है, उठते रहने के बाद जब इस सरफेस तक पहुंच जाती है तो वो बबल जैसे बर्स्ट करती है, उसी तरीके से एक स्टॉक जब फंडामेंटल वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊंची चली जाती है तो उसके बाद लोग पैनिक करते हैं, लोगों को लगता है कि इसको इन्फ्लेट किया जा रहा है, तो लोग जल्द से जल्द बेचने लगते हैं और जो ज्यादा देरी में बेचते हैं उनका लॉस और ज्यादा होता है, जैसे कि मिस्टर ए का। अब मिस्टर ए जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये मिस्टेक रियलाइज किया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बट 120 में उनको बेचना पड़ा, तो बबल के थ्रू जस्ट बिकॉज ही हैड एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन दिस, उन्होंने एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था बस फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर के थ्रू, इसी वजह से उन्होंने कोई एनालिसिस करके इन्वेस्ट नहीं किया था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ लॉस। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जो आप रिलेट भी कर सकते हो, जो 1992 स्कैम में हुआ था हर्षद मेहता के टाइम पे। ऐसे बहुत सिचुएशंस फाइनेंशियल वर्ल्ड में हुआ है बट क्योंकि बहुत सारे लोग 1992 का स्कैम वाला सीरियल जो वेब सीरीज आया था वो देखे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ रिलेटिविटी रख के कि जो उसमें हुआ था उसमें भी हर्षद मेहता एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रहे थे, तो वो बहुत सारे स्टॉक्स को बोल रहे थे कि ये स्टॉक अच्छा है, जहां हर्षद मेहता पैसा डाल रहे थे लोग वहीं डाल रहे थे, और उसी तरीके से क्या हो जा रहा था, वो स्टॉक इन्फ्लेट कर जा रहा था मोर देन इट्स फंडामेंटल प्राइस, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को पता चलने लगा सब बेचने लगे एंड द मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, तो इसी वजह से क्या हुआ, बस बिकॉज द डिमांड वेंट एब्सोल्युटली डाउन, अभी 120 में उसको बेचना पड़ा जो कि फंडामेंटल वैल्यू से भी काफी ज्यादा कम है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर से भी शायद कम है, लेकिन मार्केट में क्योंकि डिमांड कम हो गया है तो एक्चुअल वैल्यू से भी कम वैल्यू में सब बेचने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है बबल बस्ट। और अगर आप मिस्टर ए का लॉस पूरी तरीके से देखोगे तो लेट्स से सबसे पहले मिस्टर ए ने अगर 200 शेयर्स अगर खरीदा होगा तो सबसे पहले आपको पता होगा वो 100 रुपए में खरीदे थे, उसके बाद 1 महीने बाद वो 100 रुपए 200 रुपए हो गया था, तो तब भी वो 200 और शेयर्स खरीद लिए थे, कुछ महीने बाद वो 800 रुपए हो गया था जब इफोरिया का मूवमेंट चल रहा था, तब भी उन्होंने 200 लेट्स से और खरीद लिए थे, तो इनका टोटल बाइंग प्राइस कितना हुआ, 2,20,000 हुआ, बट सेलिंग में वो उनको सारे ये जो 800 है 200 प्लस 200 प्लस 200 ये तो चलो 600 हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है,
तो इसको अगर आप 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जा रहा है आपका 12,672,000, ठीक है। 72,000 में उन्होंने क्या किया, सेल कर दिया, सो इट वॉज मेकिंग अ कंप्लीट लॉस ऑफ 1,48,000, ठीक है। मतलब कि 1,48,000 का उनको मिस्टर ए को लॉस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसने इमोशनली पैसा डाला था, नॉट बाय डूइंग एनी कैलकुलेटिव रिस्क और नॉट बाय टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो यही होता है प्रॉब्लम जब आप बिना कुछ सोचे समझे बस लोगों की बातें सुन के इन्वेस्ट करते हो, तो बबल इज अ वेरी प्योर एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो इसीलिए हमेशा नॉलेज रख के ही शेयर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छा खासा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से बबल काम करता है और कौन सा ह्यूमन सेंटिमेंट है जिसके थ्रू बबल होता है। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।